हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी स्टाइल। गाइस, आज का वीडियो है, मैंने परचेज किया था काफी टाइम पहले। आपने देखा होगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जो नेम का जो पेंडेंट होता है वो आपको मिलता है, तो उसको ऑर्डर किस तरह से करो था पहले मैं आपको वो डिटेल बता देती हूँ। परचेज करने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है आपका व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर पे आपको वो नेम जो उसको व्हाट्सअप करना होता है ताकि उस नेम का वो पेंडेंट बना सके, ठीक है। तो कुछ 5 to 7, 8, 900 की रेंज में आता है और आपको वो इजीली 1 वीक में आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको वो रिसीव हो जाता है। तो इसी तरह से काफी टाइम पहले मैंने एक पेंडेंट मंगवाया था, ये आई थिंक मैंने अमेजोन से परचेज किया था, कुछ 550 का था। तो गाइज ये है वो पेंडेंट, जिसपे मैंने नेम दिया था शाहुल, मेरे हस्बैंड का नाम है। तो आप देख सकते हो उसकी जो शाइन है जो वो काफी डल हो चुकी है, ये जब मुझे रिसीव हुआ था ये ऐसा नहीं था, ये काफी डल हो चुका है। और इसकी चैन अभी भी अच्छी है, नो डाउट इसका जो चैन है वो अभी भी अच्छा है, उसका शाइन नहीं गया है। लेकिन जो पेंडेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो शाइन है वो पूरी तरह से चला गया, एकदम डल हो चुका है, वो एंटी गोल्ड हो चुका है। तो इसमें कुछ भी गोल्ड फिनिश का शाइन नहीं आ रहा है फिलहाल। तो ये ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ में ही इसका जो शाइन है वो उतर गया था। और एक चीज बताना चाहूंगी इस मेटल के बारे में, जब भी ये पहनती हूँ मैं, तो जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिनको कोई भी जो कहते ना नकली ऑर्नामेंट जो है, जो कुछ मेटल्स है, जो पीतल वगैरह है, जो आयरन है, वो नहीं चलता है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये पहनने के बाद में आपको रैशेस हो सकते हैं या फिर आपको जो बारीक बारीक जो बॉयल्स है वो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे होता है, तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो दैट्स वाई। तो जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज्यादा टाइम तक वेयर नहीं कर सकते हो, मोस्टली मैं जब भी इसको वेयर करती हूँ सिर्फ फंक्शन में या किसी चीज में, तो 2 से 3 घंटे में इसको निकाल देती हूँ पूरा। आप ज्यादा टाइम तक इसको नहीं पहन सकते हो बिकॉज वो ईचिंग वगैरह बॉयल्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं, और इवन निकालने के बाद भी नेक्स्ट डे तक वो मुझे ईचिंग वगैरह जो यहाँ पे वो होता रहता है। तो लुक वाइज काफी अच्छा है, बट आपको बहुत ही संभाल के इसको यूज करना पड़ेगा। आप किधर फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको यूज करो, आने के बाद फौरन निकाल दो। इसका जो शाइन है उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर बॉक्स है, और जो इसके ऊपर जो रैपर आपको मिलता है वो रैपर में आपको पैक करके रखना होगा। इसी तरह से अगर आप एकदम उसको एकदम खुला रख दोगे तो वो इसका शाइन चला जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर आप इसको पहन के किधर जाते हो, जिस तरह से मैं गई थी बीचेस वगैरह में, जहाँ पे जो बीचेस का जो पानी होता है यू नो कि वो खारा होता है, तो मे भी उसकी हवा या उसमें भीगने की वजह से क्या हुआ है कि इसका जो शाइन है वो निकल चुका है। लेकिन ये आफ्टर 3-4 मंथ की बात बोल रही हूँ, लेकिन इसका जो शाइन है वो 2 महीने में ऑलमोस्ट यहाँ पे निकलना चालू हो गया था। तो आप देख सकते हो अभी चैन का कलर क्या है और यहाँ पे पेंडेंट का क्या कलर आपको नजर आ रहा है। अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ज्यादा देर तक वेयर नहीं करते हो, अगर 2 या 3 घंटे के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है। अगर पहनने के बाद में काफी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, तो ठीक है। तो ये है वो पेंडेंट जो मैंने परचेज किया था अमेजोन से, तो इसका जो लिंक है आप वहां से परचेज कर सकते हो, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप अगर चाहो तो वहां से आप ये ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इस बारे में, आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा इस वीडियो के जरिए। मैं एक्चुअली अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है वीडियो से, तो उसे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि कोई भी मैं अच्छे वीडियोज अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे जो वीडियोज है वो आसानी से देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।